हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड यस, अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लोकल मार्केट टूर। एक्चुअली तिब्बत मार्केट, अगर आपने सुना हो तो वहाँ पर बहुत सारा अफोर्डेबल रेंज में वूलन स्टफ़ मिलता है, सारे लेटेस्ट कलेक्शन वहाँ पे होते हैं। तो गुड़गांव में जो तिब्बत मार्केट है, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का स्टफ़ आया हुआ है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। आई थिंक इस तरह की जो तिब्बत मार्केट है वो काफ़ी सारी सिटीज़ में होते हैं। आई नो कि गुड़गांव में है, दिल्ली में है, तो यस, आप अपनी लोकेशन पर भी देख सकते हैं। और ये प्लेस वर्थ विजिटिंग है क्योंकि आपको वहाँ पर लेटेस्ट विंटर कलेक्शन मिलता है, लेडीज़, जेंट्स, किड्स सबका, एंड बहुत सारी वेराइटी मिलती है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। वेराइटी की बात करूँ तो वहाँ पे जो नाम लेंगे आपको वूलन स्टफ में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। सिमिलरली आपको बच्चों के लिए भी मिल जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ें गुड़गांव के तिब्बत मार्केट में फ़िलहाल आई हुई हैं और क्या उनकी कॉस्टिंग है, मतलब क्या वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। दिस इज़ रिगार्डिंग कि आप कोविड चल रहा है तो आपको पता है कि क्राउडेड प्लेस पे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं जब गई थी तो मैंने पहले ही फ़ोन करके मेक श्योर कर लिया था कि मार्केट कब ओपन होती है, कब क्लोज़ होती है और किस टाइम पे आपको रश नहीं मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया था। जब मैं गई थी वहाँ पे 2 या 3 बंदों से ज़्यादा नहीं थे एंड वहाँ पर सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो सब फॉलो कर रहे थे, तो कोई भी इशू नहीं आया उसमें। लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इस तरह के बाहर जाना तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग। तो यस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन द डिस्क्लेमर पार्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गुड़गांव में तिब्बत मार्केट सेक्टर 52 में नियर आरडी मॉल लगा हुआ है एंड मैं आपको 3 मोबाइल नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप वहां जाए तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उन नंबर्स पे कॉल कर आप ले सकते हैं। यहां पर आपको लेडीज़, जेंट्स एंड किड्स की सबकी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी मिल जाएगी वूलन स्टफ़ की। घर का जो सामान है लाइक आपकी बेडशीट्स वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो मैं सारा कलेक्शन आपको शो करूँगी। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरह का स्टफ़ है। जैसे कि ये वूलन आपको दिख रहा है, ये फ्लीस के अंदर जैकेट हैं, इसमें कलर, वैरायटी, साइजेस सब आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। इस तरह की जो ये क्विल्टेड जैकेट्स हैं ये भी मिल जाएंगे, विद हुड, विदाउट हुड एंड स्लीवलेस। सबका जो प्राइस है वो इसके ऊपर मेंशन होगा। एंड यस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं चलती है, वहाँ पर माइक पे रेगुलरली अनाउंस करते रहते हैं कि आप बार्गेन मत कीजिएगा क्योंकि इनके फिक्स प्राइस होते हैं। जो भी प्राइसेस हैं वो आपको टैग पे दिख जाएंगे, जितना टैग पे लिखा है वो उस पर कुछ भी ऑफ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट टैग प्राइस आपसे लेंगे। जैसे देख सकते हैं इस जैकेट पे 870 लिखा हुआ है। मुझे जितने भी प्राइसेस लगे वो काफ़ी नॉमिनल लगे कंसीडरिंग द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। इस तरह की जो जैकेट है स्वेड मटेरियल में, वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी एंड देन फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड यस, मुझे तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ लगा। आप देख सकते हैं गोल्ड की कितनी अच्छी डिटेलिंग हो रखी है, विद हुड आपको ये मिलता है। देन जो घर पर पहनने का जो वूलन स्टफ़ है उसकी भी काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी। इस तरह के ये पजामे हैं वेलवेट के अंदर थिक मटेरियल में, जो काफ़ी वार्म एंड कोजी रखते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। देन इस तरह के जो पतले वेलवेट वाले पजामे हैं घर पे पहनने के लिए, जैसे लोअर बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे इस तरह की ब्लैक एंड न्यूड कलर की ये आप लेगिंग्स देख सकते हैं, ये मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में, जिसे आप अपनी वेस्टर्न आउटफिट, जो शॉर्ट आउटफिट्स होते हैं, उनके साथ नीचे पैरअप कर सकते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का फ्लीस एंड यू नो वार्म मटेरियल है, जो आपको काफ़ी वार्म रखेगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो इस तरह के आपको ये वूलन यू नो नाइट सूट्स मिल जाएंगे, हुडी एंड बॉटम दोनों मिलेगा इसमें। 900 रुपीज़ का प्राइस था। काफ़ी कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी, साइजेस मिल जाएंगे। देखिए इसका लोअर है ये, एंड लोअर नीचे से सिंच्ड है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, स्पेशली ये सेट। अगर आप किसी अदर शॉप पे जाकर देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा स्टफ़ मिलता है। देन इंडियन वेयर में जो सूट्स एंड साड़ीज़ के साथ ऊपर कार्डिगन्स वगैरह डाली जाती हैं, लॉन्ग वूलन कुर्ते होते हैं एंड शॉर्ट वूलन कुर्ते हैं, ये सारे आपको अबंडेंस में वहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे कलर में, साइज़ में, बहुत सारे पैटर्न में, काफ़ी सारा स्टॉक है उनके पास।
पास ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड स्टॉक है, कुछ लिमिटेड पीस हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारा। तो यस, काफ़ी सामान है उसके ऊपर, ऐसी आई थिंक 30-40 शॉप्स हैं वहाँ पे एंड सारी टेंटेड शॉप्स हैं, तो काफ़ी सारा सामान है उनके पास, तो वैरायटी में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ये आप पोंचो देख सकते हैं, पोंचो था यहाँ पर, एंड देन ये कैप्स हैं एंड ग्लव्स हैं एंड जो शॉल एंड स्टॉल्स आप देखेंगे, तो 3-4 शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वैरायटी एंड कलर में आपको शॉल्स एंड स्टॉल्स मिलेंगे। ये आपके शुरू हो जाते हैं 150-200-250 से लेके 2000 तक जाते हैं। आपको प्योर वूल में भी मिल जाएंगे, सेमी पाशमीना में भी मिल जाएंगे, कढ़ाई वाले एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे दिखाई दिए थे, तो शॉल्स की वैरायटी वहाँ पर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हाइजीन अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, जब आप एंटर होते हैं तो आपका टेम्परेचर नोट किया जाएगा एंड देन आपके हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे, विदाउट मास्क यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही है एंड माइक पे प्रॉपरली ये अनाउंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम जो भी रूल्स वगैरह हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा यहाँ पर एंटर करने के बाद। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉपरली मैनेज्ड मुझे ये शॉप्स वगैरह लगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह की लेगिंग्स, जो वॉर्म लेगिंग्स होती है वो भी अवेलेबल हैं एंड बच्चों के लिए आपको काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पर, हुडीज़ लेके और उनकी सॉक्स ले सकते हैं, उनके जो वूलन वॉर्म बूट्स होते हैं वो भी मिलेंगे, तो काफ़ी सारा स्टफ़ है यहाँ पे एंड जेंट्स का भी बहुत सारा कलेक्शन है। बट मेक श्योर यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांडेड स्टफ़ नहीं मिलेगा, अगर कहीं पे भी ब्रांड लिखा हुआ है जैसे पोलो लिखा है या एडिडास लिखा है तो वो कॉपी है, मैंने उनसे पूछा था, वो ओरिजिनल स्टफ़ नहीं है। बट यस, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी इसमें। ये देख सकते हैं आप, नेहरू जैकेट्स हैं एंड अदर जैकेट्स हैं, तो काफ़ी सारा कलेक्शन है इनके पास, मफलर्स मिल जाएंगे आपको। ये सारा जेंट्स एंड किड्स कलेक्शन है, तो वहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिसके ऊपर जेंट्स का स्टफ़ मिलेगा, कुछ पे किड्स का मिलेगा और कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मिक्स स्टफ़ भी मिलता है। सो यस, आप ये पूरी वीडियो के क्लिप्स अच्छे से देख लीजिए, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर आपके मतलब की चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस ये है कि यहाँ पर क्योंकि बार्गेनिंग नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो जैसे सरोजनी नगर है वो काफ़ी दूर पड़ता है गुड़गांव वालों के लिए अगर स्पेशली देखा जाए, बट यहाँ पर क्या है आपके नज़दीक पड़ेगा तो आप वहाँ से जाके ये स्टफ़ ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऑब्वियसली बार्गेनिंग नहीं चलेगी। सरोजनी नगर में आप जाते हो तो हो सकता है कि आप अच्छे से बार्गेन कर लो और अच्छा सामान भी थोड़ी चीप प्राइस में ले लो, बट यहाँ पर आप बिल्कुल भी बार्गेन नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं चल रही थी। एक स्वेटर मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, वो मैंने ली थी, वो MRP 650 रुपीज़ था, तो मैंने उसको उतना ही पे किया बिकॉज वो इतना उस चीज़ को अनाउंस कर रहे थे बार बार। सो देयर इज़ नो सेंस इन आस्किंग कि आप कम कर दीजिए एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं डेनिम स्टफ़ भी वहाँ पे है, ये ज़ारा की ये जैकेट है, तो मैं एक बार चेक कर रही थी क्या है, बट ये ओरिजिनल नहीं है, नीचे दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो हाँ, इस तरह की जैकेट्स हैं, इनका MRP 2100 के अराउंड था, तो हाँ जितना भी आपको टैग पे लिखा हुआ है वो उतना ही मांग रहे हैं, उससे बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। ये जो मफलर है ये 100 रुपीज़ का था। इस तरह से आपको क्विल्टेड जैकेट्स बहुत ज़्यादा
कलर्स में मिल जाएगी वहाँ पर जेंट्स एंड लेडीज़ एंड किड्स सभी की। इस तरह के जो ये गर्म सूट हैं ये भी वहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी में मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे वूलन का स्टफ ए टू जेड पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो यस, यू कैन डिसाइड कि ये प्लेस आपके लिए है या नहीं, आप जाना चाहेंगे या नहीं शॉपिंग के लिए। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कलेक्शन। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको यूजफुल लगी हो। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।